स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम 216 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपको सवाल पूछा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, टेस्ट फॉर बेंस जोन प्रोटीन। ठीक है, तो बेंस जोन प्रोटीन जो टेस्ट है उसके लिए यहाँ पर टेस्ट का नाम पूछा गया है। तो बेंस जोन प्रोटीन आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, तो सजेस्ट किया जाता है किसके लिए, मल्टीपल माइलोमा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से इसको। तो ये जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका नाम जो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड शो टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो है इसमें किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। आगे का सवाल हम देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट 217 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो 217 नंबर सवाल यहाँ पर है, क्रिस्टल फाउंड इन एसिड यूरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इस तरीके से सवाल आते हैं तो कन्फ्यूज्ड नहीं होना। ठीक है, इनमें से सारे क्रिस्टल फाउंड होंगे एसिड यूरिन में, केवल एक को छोड़ करके ये पूछा जा रहा है। तो उसमें से कौन सा एक है जिसको छोड़ा जाएगा, तो वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी एसिड यूरिन जो होता है उसमें सारे क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, सिस्टीन, ल्यूसिन और ट्राइसिन, इसके अलावा अमोनिया, अमोनियम बायूरेट, उसके बाद बिलीरुबिन, ये मैं बता देता हूँ ताकि आप इनको याद रखें। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बाकी इसमें जो भी दिए हैं वो भी सारे आ जाएंगे, जो बाकी तो मैंने बता दिया आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, 218 नंबर, स्पेसिफिक टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ग्लूकोज इन यूरिन। तो यूरिन में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, ये पूछा है। तो आप आराम से टेस्ट इसमें लगा सकते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, करेक्ट ऑप्शन इसमें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब ये बीटा हाइड्रोब्यूटेरिक एसिड होता क्या है, इसको पहले आप समझेंगे तभी आप इसमें टेस्ट का नाम आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है ये कीटोन बॉडी वाला है। तो कीटोन बॉडी में अलग अलग नाम है उनके नाम, जैसे कि यहाँ पर एसीटोन। ठीक है, उसके बाद एसीटो एसिटिक एसिड, इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जो यहाँ पर दिया है। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड ये भी कीटोन बॉडी है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे ए नंबर का, हार्ट्स टेस्ट। समझ में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है एसिटो एसिटिक टेस्ट, ये वाला एसिटो एसिटिक टेस्ट, तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप ये दूसरे नंबर का, बी नंबर का जो ऑप्शन है, ये टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। बाकी रुद्राक्ष टेस्ट तो आपको पता है, ये कीटोन बॉडी के लिए कॉमन है, और फाउचेट्स टेस्ट भी आपको पता है, ये आप कब यूज़ करते हैं, बिलीरुबिन के लिए, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आज का। तो ग्यूकेम टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूरिन। कौन से सब्सटेंस जो है यूरिन में प्रेजेंट होता है उसके लिए आप ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड को देखने के लिए आप ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं यूरिन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, बिलीरुबिन प्रोटीन और कीटोन बॉडी, ये सब नहीं है, बाकी ब्लड इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आज के MCQs हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए इसका तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वीडियो के, सारे MCQs के आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।